हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं लास्ट वीडियो जो हमने आपके एग्ज़ाम के लिए डाली थी वो आपने देख ली होगी और अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर लिया होगा, नोट्स बना के बार बार याद भी कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए बेटा जी, आज हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मनी एंड बैंकिंग वाली पूरी यूनिट को हम कवर करेंगे और क्लास के लास्ट में हम कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। यहाँ से दो एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम खराब करे, क्योंकि हमारा टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में हमें पढ़ना है मनी और फिर हमें पढ़ना है बैंकिंग। तो अभी हम पहले शुरुआत बैंकिंग से कर लेते हैं, यानी कि बैंक से कर लेते हैं। तो बैंक क्या होता है? बैंक एक ब्रिज होता है, किन लोगों के बीच में समझौता कराता है। एक वो आदमी जो सेव करता है और दूसरा वो आदमी एंड द यूजर ऑफ द कैपिटल, जो कैपिटल को यूज करता है या इन्वेस्ट करता है। तो सिंपल सी साधारण सी बात आप इसके अलावा भी याद रख सकते हैं कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और जो नीडी लोग हैं उनको मनी लेंड करता है। इतना भी मोर देन इनफ होता है। तो हमारे पास दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक और एक होता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। यही बात हमें आगे पढ़नी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेंट्रल बैंक के फंक्शन आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन आपको 99% देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक है क्या? तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, वो है अपेक्स। सेंट्रल बैंक हमारी एक अपेक्स बॉडी है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स बॉडी या अपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है यानी कि किसी भी क्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल मेन टॉप पे हो हायरार्की में, उससे ऊपर कोई भी नहीं हो। जैसे किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल या डायरेक्टर मेन होता है, किसी कंपनी में उस कंपनी का सीईओ या डायरेक्टर मेन होता है, तो वो अपेक्स लोग होते हैं, यानी कि अपेक्स बॉडी है। तो इसी तरीके से आरबीआई एक अपेक्स बॉडी है। इतना वर्ड को बार बार क्यों खींच रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि पेपर में घुमा फिरा के एक बार एमसीक्यू आया था कि आरबीआई इज अ डैश बॉडी। तो कौन सी बॉडी है? अपेक्स बॉडी है। आप याद रखेंगे ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबका नहीं, केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की जो अपेक्स बॉडी है वो आरबीआई है। अब ये क्या करता है? कुछ लीडिंग रोल करता है ऑर्गेनाइजिंग का, रेगुलेटिंग का, सुपरवाइजिंग का, डेवलपिंग द बैंक एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ काम इसको सौंप रखे हैं जो ये करता है। अब विभिन्न देशों, जैसे हमारे देश में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, ऐसे ही दूसरे देशों में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, यानी कि ये उनके सेंट्रल बैंकों के नाम है। बहरहाल हमारे वाले का नाम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। तो हमारे वाले का नाम आरबीआई है, उनके वालों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें जो याद रखने वाली बात है बेटा जी, ये जो फाउंड हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 में, इसको याद रख कर जाएंगे। साथ में ये कब बना था? सर जी, फर्स्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक ट्रबल्स आ गए थे उसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के इस टाइम, वो हैं श्री क्या लिखा हुआ है ये साकित कांत दास, पता नहीं क्या लिखा हुआ है बेटा जी, शक्तिकांत दास लिखा हुआ है, शक्तिकांत दास लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है वट एवर, जरूर याद रखिएगा बेटा जी। मैं जब बार बार इस तरीके से बोलने का प्रयास करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट पेपर में हो सकती हैं कि हमारे आरबीआई के करंट गवर्नर कौन से हैं, हमें याद रखने चाहिए। समझदार बच्चे जो आरबीआई का भी गवर्नर है, उससे पहले वाला कौन गवर्नर था उसको भी याद रखते हैं। अब क्या क्या फंक्शन है आरबीआई के, सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये बैंकर बैंक्स के नाम से जाना जाता है, एडवाइजर एंड द बैंकर टू द गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी ये है, एंड की मोनोपोली ओवर नोट्स इशू, नोट्स इशू के ऊपर इसकी की मोनोपोली भी है। तो इसके इन कुछ फंक्शन को हम याद कर सकते हैं बीएसी के बैक के नाम से। सर बैक पेपर में भी लग जाती है बेटा, ऐसी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मोनोपोली ओवर नोट्स इशू, अब आगे बात कर लेते हैं कि मोनोपोली ओवर नोट्स इशू जो इसका फंक्शन था उसको हम ऐसा क्यों मान रहे थे? तो देखिए बेटा जी, क्योंकि गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी, आरबीआई के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो करेंसी को इशू करेगा। सोल का मतलब अकेला, अकेला आदमी है जिसके पास करेंसी को इशू करने के राइट हैं। और दीज नोट सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज अ लीगल मनी, और आरबीआई ही जो नोट इशू करेगा उन्हीं को लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी कि वही मान्य होंगे, बाकी नोट मान्य नहीं होंगे।
अब क्या क्या रीजंस हैं कि इनको मोनोपोली दी गई है, तो ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन, क्योंकि नोट एक जैसे रहने चाहिए। मान लेते हैं तीन चार बैंकों के पास हमने लीगल टेंडर दे दिया या लीगल मनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तीन बैंक है ये छापेंगे, तो एक ने करेंसी पे गांधी जी को छाप दिया, दूसरे का आइडियल कोई और है उसने कुछ और छाप दिया, तीसरे ने कुछ और छाप दिया, तो तरीके के बहुत सारे नोट ना हो जाएं, इसलिए एक ही आदमी के हाथ में होल सोल पावर रहे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक जैसे से ही नोट हमारे देखने में लगेंगे, तो इसलिए एक आदमी के हाथ में पावर दे रखी है। गिव्स द सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, और कुछ डायरेक्ट कंट्रोल भी आरबीआई को दे रखे हैं, तो इसलिए भी ये जरूरी है। बैंकर्स एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इसको आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंकर या गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एडवाइज़र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल या मॉनेटरी मैटर्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, तो ये गवर्नमेंट को सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए एडवाइज़र कहा जाता है। एजेंट क्यों कह रहे हैं? सर एजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये खरीदने और बेचने का काम करता है, फॉरेन करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, इशू न्यू लोन एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है, इसलिए इसको हम एज अ एजेंट भी देखते हैं। अब बात करते हैं एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, इसको बैंक गवर्नमेंट बैंकर क्यों कहा जाता है? तो सर ये रिसीव करता है डिपॉजिट ऑफ कैश चेक्स एंड ड्राफ्ट एटसेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये पैसे एक्सेप्ट भी करता है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी अकाउंट मेंटेन करता है, तो उस बिहाफ पे इसको बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी को खरीदता या बेचता है, फॉरेन करेंसीज के साथ डीलिंग करता है, इसलिए इसको एजेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर पे ये सलाह देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको एडवाइज़र कहा जाता है, ये बात आप याद रख के चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं बैंकर बैंक, इसको बैंकर बैंक क्यों कहा जाता है? मतलब इसको गवर्नमेंट का बैंकर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर तो कह ही रहे हैं, बैंकर का बैंकर क्यों कह रहे हैं? सर जब बैंकों को जरूरत होगी तो ये बैंकों की भी मदद करेगा, मेंटेन डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को भी मेंटेन करता है, और साथ में कॉमर्शियल बैंकों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उन्हें किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में चलना है, उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो कहने का मतलब ये बैंकों के ऊपर भी, मतलब जितने भी हमारे यहाँ कॉमर्शियल बैंक हैं उनको ऊपर से कंट्रोल करता है, यानी कि सारी पावर सारी गाइडलाइन यही इशू करता है, इसलिए इसको बैंकर बैंक्स भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट के काम भी यही कर रहा था इसलिए इसको गवर्नमेंट बैंकर भी कहा जाता था। अब ये एज अ सुपरवाइजर भी है, सुपरवाइजर का क्या मतलब है? देखो जी बैंक लाइसेंसिंग हो, किसी को ब्रांच एक्सपेंशन करना हो, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स हो, या कोई मैनेजमेंट हो, या रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन कुछ भी ऐसा हो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो बैंक, तो सारा का सारा काम यही देखता है। सर ये बैंकों को सुपरवाइज करता है, ऊपर से देखता है क्या बैंक सही सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बैंक सारी पॉलिसी मान रहे हैं कॉमर्शियल बैंक या नहीं मान रहे, तो टाइम टू टाइम ये सुपरवाइज भी करता रहता है, इंस्ट्रक्शन भी पास करता है, क्योंकि ये इसी आधार पर बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्यों कहा जाता है? और ये वाला जी फंक्शन आपके लिए पेपर में हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो बैंकर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर नेट टोटल लाइबिलिटीज विद द सेंट्रल बैंक, तो कुछ पैसा रखना पड़ता है बैंकों को अपना टोटल लाइबिलिटीज का, जिसको हम CRR भी कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन एडिशन टू दिस द बैंक होल्ड एक्सेस रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्यू टू सेटलमेंट विद अदर बैंक्स, द सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक कैन यूज मेक एडवांसेस टू बैंक्स इफ टेम्परेरी इन नीड फंड्स एक्टिंग एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो बेटा जी जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है आप उसको एक बार पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा मैं डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा मोटिव यहाँ पर है क्योंकि पूरे साल पढ़ाते पढ़ाते यही सब बताया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स मिल जाएं कि हमें क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो देख लीजिएगा आपके सामने है, आराम से पोज करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। चलिए जी अब यहाँ पर
क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट का काम भी आरबीआई का ही रहता है। तो क्लियर करता है या सेटल करता है क्लेम्स को किस किस के बीच में, बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स, किससे रिलेटेड, चेक से रिलेटेड या फिर डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड, साथ में बाई मेकिंग ट्रांसफर एंट्री इन देयर अकाउंट। सर जी ये ट्रांसफर एंट्री करता है कॉमर्शियल बैंक को लेकर जो कि रिलेटेड होती हैं चेक और डिमांड ड्राफ्ट से, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजेक्शन सेटल करता है क्योंकि ये। अब बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट के बारे में। ये फंक्शन भी बेटा जी आपका फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्यों माना जाता है। सर जी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आरबीआई को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दो पॉलिसी मेंटेन करता है हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। जर्नली आगे हम बताएंगे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से बचाने के लिए मार्केट में पैसा ज़्यादा है या कम है, कितना होना चाहिए, उन सबको मैनेज करने के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। तो दो तरीके की वो पॉलिसी हैं, एक को क्वांटिटेटिव बोलते हैं, एक को क्वालिटेटिव बोलते हैं, और ये दोनों पॉलिसी ही मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानी जाती हैं। तो सर बैंक इकोनॉमी में मनी के सर्कुलेशन को मैनेज करता है, इसी वजह से इसको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। यानी कि ये डिसाइड करता है कितना पैसा इकोनॉमी में रहेगा, ज़्यादा है तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगा ताकि वो पैसा लोगों की जेब से आउट होके बैंकों तक आ जाए। उल्टा कर लो, अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो ऐसा कुछ करेगा कि वो पैसा जो बैंकों के पास रखा हुआ है सरप्लस फंड, वो वहां से निकल के इकोनॉमी में चला जाए। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, फर्दर हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे बात करेंगे। अभी एक नंबर के हिसाब से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या है, ये कुछ बातें आपको लिखनी होती हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। सर सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक फ्लोट मनी इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक मनी फ्लोट करता है मार्केट। मनी फ्लोट का मतलब होता है कि बाजार में पैसे को लेकर आता है। कब, जब हमें क्रेडिट एक्सपेंशन करना होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जब हमें बाजार में पैसों का एक्सपेंशन करना होता है, पैसों का फ्लो बढ़ाना होता है, तो ये मनी को फ्लोट करता है, यानी कि बाजार में पैसे की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। और जब बाजार में पैसा पहले से ही ज़्यादा हो तो फिर ये क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी कि ऐसी कुछ पॉलिसी बनाएगा जिससे इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलकर, यानी कि लोगों की जेब से पैसा बाहर निकलकर, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर को कम करके उस पैसे को बैंक में ही रोका जाए, यानी कि लोगों तक ना जाने दिया जाए, वरना वो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे और जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ती है उतनी ज़्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आते हैं। तो डिपेंड करता है कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब हमें मनी को एक्सपेंड करना है, ये डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे कि हम इन्फ्लेशन के दौर में गुजर रहे हैं या डिफ्लेशन से, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या क्या होती हैं ये याद रखेंगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स विच इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ये वाले वर्ड आपको याद रखने हैं। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स विच इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, तो ये दो बातें आप बहुत ढंग से याद रख के चलेंगे। अब सर ये जो दो टेक्निक आपने बताई हैं कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट में कि कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, तो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है और एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में आरबीआई क्या करता है, सर बैंक रेट को कम या ज़्यादा करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो को दिमाग में रखता है, और या फिर लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में आगे। अब क्वांटिटी मेजर्स में क्या है सर, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट है, राशनिंग ऑफ द क्रेडिट है, मोरल सुएशन करके कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए जी पहले बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होती है, पहले तो याद रखेंगे बैंक रेट है क्या। सर क्रेडिट कंट्रोल वाले पार्ट का ये हिस्सा है फंक्शन का। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेंगे तो उसके अंदर बैंक रेट वाली ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सर बैंक रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है। क्या बोरो करता है, द मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर अ लॉन्ग रन विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म में बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करता है तो उसको हम जिस रेट पे करता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट का क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक रेट का क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, हमें ये चर्चा करनी है। अब थोड़ा सा यहाँ समझ के चलें, दो पैरामीटर हैं, एक का नाम इन्फ्लेशन है और एक का नाम डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब कि लोगों के पास पैसा है और वो उस पैसे को बाजार में खर्च कर रहे हैं। अगर लोगों के पास पैसा नहीं भी है तो वो बैंक से लोन लेकर भी बाजार में पैसा खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इन्फ्लेशन में लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, और लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि बैंक से उनको आसानी से लोन मिल जाता है।
कॉमर्शियल बैंक के पास वो लोन लेने जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक उन्हें लोन ऑफर कर देगा और वो उस पैसे को लेकर बाजार में खर्च कर देंगे। तो इस प्रक्रिया से धीरे 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 करके इन्फ्लेशन बाजार में आ जाता है, मतलब महंगाई का दौर आ जाता है। अब आरबीआई ये देखता है कि अगर बाजार में पहले से महंगाई है तो इसका मतलब बाजार में पहले से ही सरप्लस मनी है, तो आरबीआई नहीं चाहता बाजार में और पैसा जाए। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा सर, वो बैंक रेट्स बढ़ा देगा। और बैंक रेट क्या होती हैं, वो रेट जिस पे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो इसका मतलब अगर अब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें वो लोन महंगा मिलेगा, और अगर उन्हें लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे फर्दर जब जनता को लोन बांटेंगे तो वो भी महंगा बांटेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप बैंक का रेट बढ़ा दोगे, लोन का रेट बढ़ा दोगे या बैंक रेट बढ़ा दोगे तो जनता को लोन महंगा मिलेगा। अब आप खुद बताइए, अगर लोन महंगा मिलेगा तो आप ज़्यादा लेना प्रीफर करेंगे लोन या कम लेना प्रीफर करेंगे? सर कम लेना प्रीफर करेंगे। तो आरबीआई यही तो चाहता है कि अगर बाजार में इन्फ्लेशन है, पैसा भर मात्रा में है, तो वो बैंक रेट को बढ़ाएगा। बढ़ाने का कारण ताकि लोग अब लोन की डिमांड कम करें, कम लोन मांगेंगे, बाजार में कम पैसा जाएगा, धीरे धीरे स्थिति काबू में आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन में हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होते हैं, उससे जनता कम लोन लेती है, कम लोन लेगी तो क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी बाजार में जो उधर क्रेडिट है वो सुकड़ जाएगा, उसका संकुचन हो जाएगा, लोग कम से कम पैसा खर्च करने का कम खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे, अभी महंगा मिल रहा है, वेट करो जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे, बैंक से लोन तब लेंगे जब लोन सस्ता मिले और ये सामान भी सस्ता मिले, उस स्थिति का हम इंतजार करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि सर ऐसी दशा में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड फॉर बैंक लोन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि सर बैंक रेट बढ़ जाती है, जैसे 10% से बढ़ाकर 12% कर देंगे हम रेट, किस में, इन्फ्लेशन में। तो याद रखेंगे इन्फ्लेशन में लोन के रेट बढ़ाए जाते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। डिफ्लेशन में लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, खाली बैठे हैं, मच्छर मार रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं। तो आरबीआई को चाहिए लोगों को रोजगार दे, लोगों को पैसा दे ताकि वो पैसे से रोजगार करें, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, डिफ्लेशन है, मंदी का दौर है। तो ऐसी दशा में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अब आरबीआई जो रेट होते हैं बैंक रेट उनको कम करेगा, कम करेगा तो कॉमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा लेकर आएंगे, फिर फर्दर उसी लोन को वो जनता तक पहुंचा देंगे। तो डिफ्लेशन में लोन को सस्ता करके जनता तक पहुंचाया जाता है, इन्फ्लेशन में लोन को महंगा करके यानी बैंक रेट को महंगा करके जनता से पैसा दूर रखा जाता है। तो ये वाली बात होप यू अंडरस्टैंड, कब 10% होगी और कब 8% होगी आप समझ गए होंगे। चलिए जी बात करते हैं आगे। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू और फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट रन ऑन सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो वो रेशियो होता है जिस पे शॉर्ट टर्म में किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है या वाइस वर्सा। अब इसमें दो बातें आती हैं, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट, ये ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ दोनों वर्ड लिखे हुए हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो में, इसलिए ये दोनों बातें लिखी हुई हैं कि या तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देगा या फिर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देगा। तो इनमें से जो एक पॉइंट है वो तो ये बताता है कि कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया है, और एक पॉइंट ये बताता है कि कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में दोनों लिखे हुए हैं कि आरबीआई से पैसा लेना और आरबीआई को पैसा देना। इस बात को अंडरस्टैंड करें आप। कह रहा रेपो रेट क्या होता है, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर सम सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी के बदले में छोटे टाइम पीरियड के लिए, जब इंटरेस्ट पर पैसा दे। सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी के अगेंस्ट छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा उधारी पे देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि रेपो रेट वो रेट है जो शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी के अगेंस्ट आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक से, क्योंकि उसने उसको लोन दिया है, लेंडिंग किया है मनी का। चलिए जी अब रिवर्स रेपो, सर नाम में ही आ गया रिवर्स, कह रहा उल्टा कर दो। अब कॉमर्शियल बैंक कह रहे हैं आरबीआई से बहुत समय रहा तुम्हारा, अब देखो हमारा समय है, हम पे पैसा ही पैसा है, अब तुम हमसे मांगो पैसा। तो इस दशा में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना अपेक्स बॉडी है तो शब्दों को थोड़ा संभाल के लिखना होता है, कि हम ये नहीं कहेंगे कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द सेंट्रल बैंक, ना ना बुरा लगेगा, है ना। अपने पिताजी से पैसा मांगा जाता है, दिया नहीं जाता है ना।
तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप अपने पिताजी को दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अपने पिताजी से उधार ले लेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कभी भी जीवन में हमने अपने पिताजी को उधार दिया है। तो शब्दों की मर्यादा समझेंगे, और जैसे ही हम यहां पर पहुंचेंगे रिवर्स रेपो में, तो हम कतई नहीं लिखेंगे, ये कतई नहीं लिखेंगे कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देता, ना ना शब्द को संभाल के लिखेंगे। कॉमर्शियल बैंक कहेगा, देखो जी जब हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा होगा तो आप हमें थोड़ा मोटा इंटरेस्ट दे देना, और हम हमारे सरप्लस फंड अपने पास रख लेना। तो ध्यान रखिएगा शब्दों को थोड़ा सा, व्हेन द कॉमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड दे कैन डिपॉजिट एट द सेम विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। तो कुछ समय के लिए रख सकते हैं, उसके बदले में वो इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होगा? सर हम रेज कर देंगे रेपो रेट, ठीक, यानी कि 6 है तो 6.5 कर देंगे, और डिफ्लेशन के दौर पे कम कर देंगे। तो नियम वही है जो बैंक रेट के लिए था, सेम फंडा है, इन्फ्लेशन में बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन में घटा देंगे। अब बात करते हैं लीगल और वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इनको शॉर्ट में LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो में क्या क्या आता है? सर लीगल रिजर्व रेशियो के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक को अपन लोग CRR और एक को अपन लोग SLR कहते हैं। अब CRR जो है वो है, सर ये जो डेटा लिखा हुआ है पुराना है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये हमने एडिट नहीं किया, छोड़िए इसको। तो CRR और SLR दो कंपोनेंट होते हैं लीगल रिजर्व रेशियो के। अब ये होता क्या है? सर ये एक लीगल कंपल्शन है। लीगल कंपल्शन का मतलब RBI ने कह रखा है, जरूरी है, मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? फॉर द बैंक, बैंकों के लिए, टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश, यानी कुछ हिस्सा उन्हें रखना पड़ेगा कैश की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलेंगे। अब इसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। यानी कि जैसे ये 100 रुपए हैं, तो इन 100 रुपए का कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 100 रुपए का कुछ हिस्सा 25 रुपए बैंक हमेशा अपने पास रखेंगे, ना 100 रुपए का 25वां भाग, यानी कि 100 में से 25 रुपए वो बैंक वाले हमेशा अपने पास रखेंगे, है ना, हमेशा अपने पास या RBI के पास वो देखेंगे, क्योंकि इसमें भी दो चीजें आती है, कुछ अपने पास रखा जाता है, कुछ RBI के पास रखा जाता है। सारा पैसा यानी कि बैंकों के पास जितना भी पैसा आया वो सारा लैंड नहीं कर देना, कुछ बचा के रखना है, उन्हीं को लीगल रिजर्व रेशियो LRR कहते हैं। और इसमें दो हैं, एक CRR और एक SLR। तो अब बात करते हैं CRR और SLR होता क्या है। तो सर जी जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो एक परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? सर नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज का, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट हिस्सा कॉमर्शियल बैंक को रखना ही रखना है। किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो जो भी नेट डिमांड डिपॉजिट और टाइम लाइबिलिटीज बनेगा कॉमर्शियल बैंक का, उसका कुछ परसेंट उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है लिक्विड की फॉर्म में। वो ये याद रखेंगे, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। चलिए जी, अब स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? सेम देखें जरा, इट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड द टाइम लाइबिलिटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच दे हैव टू कीप विद देम। यानी कि स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो में कॉमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा रखना होता है, और CRR में वो पैसा RBI के पास रखना होता है, और ये भी हमारा लिक्विडिटी की फॉर्म में ही होता है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में ही होता है। तो होप इट्स क्लियर। याद रखेंगे CRR में RBI के पास जाता है, और लिक्विडिटी रेशियो में बैंक अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करेंगे? सर अगर महंगाई है तो बैंक चाहेगा कम से कम लोन बटे, ताकि लोग कम से कम खर्चा करें, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा, और पैसा अपने पास रखने के लिए वो LRR जिसके दो हिस्से हैं, एक CRR और SLR, वो दोनों के रेट बढ़ा देगा। तो इन्फ्लेशन में दोनों के रेट बढ़ जाते हैं, जैसे 5 से 6 हो गए, और डिफ्लेशन में लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा देना होता है, तो अगर लोगों की जेब तक ज़्यादा पैसा पहुँचाना है तो बैंक अपने पास कम से कम पैसा रखे, तो फिर उसे LLR कम करने पड़ेंगे। तो डिफ्लेशन में LRR कम करने होते हैं, इन्फ्लेशन में LRR हमें बढ़ाने होते हैं। होप इट्स क्लियर, आप ये याद रखेंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ढंग से पढ़ के चलेंगे, वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर ज्यादा नजर रखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सर जब रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड द बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक कभी भी खुले में आकर
सिक्योरिटी ना बेचता है ना खरीदता है, यानी कि डायरेक्ट आरबीआई कभी सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता नहीं है, लेकिन अगर आरबीआई ऐसा करने लग जाए कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डायरेक्ट सिक्योरिटी की बाइंग और सेलिंग करने लग जाए, क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो बैंकर्स का बैंक होता है और बैंक के एजेंट के तौर पर भी काम करता है, तो इन दैट केस वो ये काम करेगा। तो अगर वो इस तरीके की बाइंग सेलिंग करेगा तो उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि बाजार में आके आरबीआई कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा, अब हम ऑपरेट करेंगे, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाएगा। तो इन्फ्लेशन में क्या किया जाएगा, और ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए बहुत ढंग से समझ के चलिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट जब हम ओरली सोचते हैं तो अपोजिट नज़र आता है। देखिए बात वही है, पैसा बढ़ाना है या घटाना है, तो ढंग से सुनिएगा। इन्फ्लेशन में क्या करेगा, सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। क्यों सेल करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में लोगों की जेब में पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, तो आरबीआई तकनीक लगाएगा कि ऐसा कुछ लालच देते हैं ताकि ये पैसा खर्च ना करके हमारे पास जमा कर दें। तो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर देगा। लोगों को लगेगा यार बढ़िया है गुरु, अच्छा 10% से 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा गवर्नमेंट में लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बेची, आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची और आपने ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में वो खरीद ली, तो आपकी जेब से पैसा चला गया। तो 10% से 15% के रेट पे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी आपको बेची और आपने वो खरीद ली। इसका मतलब जब आरबीआई सिक्योरिटी बेचता है तो उसका मोटिव होता है क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करना, ताकि आपकी जेब से पैसा निकल जाए और वो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाए। तो होप इट्स क्लियर कि आप याद रखेंगे सिक्योरिटी कब बेचेगा, जब आपकी जेब से पैसा निकालना होगा। उल्टा कर देते हैं, अब आपने 10 से 15% में सिक्योरिटी खरीद ली, 4 साल बाद आप कह रहे हो यार अब नहीं रहा जाता, अब तो हमें खरीदना है वापस से, बाजार में बहुत महंगाई हट गई है, सस्ता दौर आ गया है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन चल रहा है, वहाँ का घर सस्ता मिल रहा है, वहाँ वो सस्ता मिल रहा है, सब लेना है। तो आप आरबीआई से कहोगे भैया हमने जो तुम्हारी सिक्योरिटी आपने हमें सेल करी थी वो अब अपनी सिक्योरिटी वापस से खरीद लो, हमें हमारा पैसा दे दो। तो ध्यान रखना डिफ्लेशन के दौर में आरबीआई सिक्योरिटी वापस से खरीद लेता, जैसे ही आरबीआई सिक्योरिटी खरीदेगा तो खरीदने के बदले में उन लोगों के पैसे तो वापस करेगा ना, तो पैसे वापस करेगा, उन लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा। फंसाएगा कैसे देखें, यहां पर आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीदी है, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, जनता ने बेची है। तो ध्यान रखना डिफ्लेशन के दौर में आरबीआई सिक्योरिटी खरीदे या जनता सिक्योरिटी बेचे, दोनों का मीनिंग एक ही है। इधर आ जाओ, इन्फ्लेशन के दौर में आरबीआई सिक्योरिटी बेचे या जनता सिक्योरिटी खरीदे, मीनिंग एक ही है। वो मीनिंग बदल देगा, एक बार बैंक के हिसाब से बोलना चालू करेगा, एक बार जनता के हिसाब से, तो उस बात को आप समझ के चलेंगे। होप इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। बेटा जी मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल सीधा सा फंडा है कि मान लेते हैं हमें बैंक से लोन की जरूरत है, तो आपने गोल्ड लोन का ऐड देखा होगा, मनपुरम गोल्ड लोन बला बला बला, बहुत सारे गोल्ड लोन है। तो हम गए वहां पे, हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लोन हमारा जो गोल्ड था वो 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख के उस गोल्ड पर बैंक हमें 90,000 का लोन ऑफर कर रहा है, तो 10,000 बैंक बचा रहा है। सामान तो हम उसको 1 लाख का दे रहे हैं पर वो लोन हमें 90,000 का दे रहा है, तो ये 10,000 का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है तो गवर्नमेंट फिर से यही प्रयास करेगी कि आपके पास लोन कम से कम जाए। तो अगर इन्फ्लेशन से पहले हम जा रहे थे तो 1 लाख का गोल्ड लेकर जाते थे तो 90,000 का लोन मिलता था, अब महंगाई है, गवर्नमेंट नहीं चाहती आपको ज़्यादा लोन दिया जाए, तो अब गवर्नमेंट क्या चालू करेगी, 1 लाख के लोन पर, 1 लाख के गोल्ड पर आपको 60 या 70,000 का लोन देना चालू करेगी और अपना मार्जिन बढ़ा लेगी। इसका मतलब इन्फ्लेशन में मार्जिन बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करना होता। उल्टा कर दो, डिफ्लेशन में हमें लोगों तक पैसा पहुँचाना होता है तो वहाँ पर वो बोलेंगे कम मार्जिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लोन देंगे, 90% गोल्ड लोन दे देंगे, 100% गोल्ड लोन दे देंगे, इस तरीके की बातें जब वो बोलना चालू करें तो समझ जाइए डिफ्लेशन की दौर में है, इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है। इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाती है, डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाई जाती है। होप इट्स क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ वही है, 30 से 40 कर देंगे इन्फ्लेशन में, बाकी हम घटा देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है सर, सर मोरल सुएशन करके लिखा हुआ है, यानी कि ये कुछ एडवाइस दी जा रही है। भैया बहुत समझा लिया आरबीआई ने, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो, तो आरबीआई आपको समझा रहा है। ठीक, जैसे आरबीआई की एड आते हैं,
हर पैसा कुछ कहता है, आरबीआई कभी आपको लॉटरी के लिए कॉल नहीं करता है, आपका पैसा 10 दिन में दुगना नहीं हो सकता है, आरबीआई कहता है समझिए ये वो, चौकस रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ये दुनिया भर के जो ऐड होते हैं ये भी समझाने वाले होते हैं। तो आप अपने पैसे को खर्च मत करें, पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, आपको ये सलाह देता है आरबीआई इन्फ्लेशन के दौर में। और अपने पैसे को काम पर लगाइए, घर पे क्यों रखा हुआ है, बैंक में जमा करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ खरीदें, व्यापार करें, तो ये आपको सजेशन दी जाती है डिफ्लेशन के दौर में। तो इसी को जब मोरली आपको समझाने लग जाए, देखो जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उसको मोरल सजेशन के नाम से हम जानते हैं। तो सर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं और डिफ्लेशन में हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से रीड आउट कर लेंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं क्रेडिट रेशनिंग के बारे में। ये क्या रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी और आ पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे सर, रिड्यूस कर देंगे कोटा को पर्टिकुलर सेक्टर लाइक रियल इस्टेट, ये वो फलाना डिमाग, यानी कि पैसे का बंटवारा, रेशनिंग का मतलब कितना उस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है। तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में महंगाई है, मान लेते हैं रियल इस्टेट में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, वहाँ बहुत महंगे रेट हैं, तो राशनिंग ऑफ द क्रेडिट उस एरिया के लिए कम हो जाएगी, यानी कि हम क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। डिफ्लेशन का दौर चल रहा है, प्रॉपर्टी बन के तैयार है, खड़ी है, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, सब्सिडी देगी, अरे लो यार इंक्रीज करो इस क्षेत्र को, पैसा दो, ये क्षेत्र डूब रहा है, तो फिर वो आपकी हेल्प करेगी, तो वहाँ पे राशनिंग ऑफ द क्रेडिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है सर जी, एक्सेप्ट करते हैं और लेंडिंग करते हैं डिपॉजिट को, इससे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है हमें। बैंक हमारे तीन होते हैं, पब्लिक बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं और फॉरन बैंक होते हैं, एग्जाम्पल इनके इनके सामने लिखे हुए हैं। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं अब सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बारे में, कि सेंट्रल बैंक क्या है कॉमर्शियल बैंक क्या है। डिफरेंस आप पढ़ के जाएंगे बेटा, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, बेटा जी मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसको आप अच्छे से करके जाएंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है। क्रेडिट मल्टीप्लाई होना, क्रेडिट क्रिएशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसमें याद रख के चलिएगा पेपर में क्रेडिट क्रिएशन में ये भी कह सकता है इस बार, मेरे हिसाब से मेरा दिमाग मेरी अजम्पशन कहती है कि नोट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन के क्या क्या स्टेप हैं वो भी अच्छे से आप पढ़ कर जाएं। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है सर, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट ऑफ बैंक्स इनटू अ ह्यूज अमाउंट, बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन टू द कस्टमर्स आउट ऑफ दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। वो कह रहा है कि जनता से मिले पैसे को बैंक कितना मल्टीप्लाई कर लेगा, कितनी बार उस पैसे को घुमा देगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो इस प्रोसेस में कितना पैसा क्रिएट हो जाएगा उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम बेटा जी मनी क्रिएशन भी है, क्रेडिट क्रिएशन बोलें या मनी क्रिएशन बोलें ये याद रखेंगे। अब सर क्या कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ द इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट। तो ध्यान रखेंगे क्रेडिट क्रिएशन हमेशा किस पर डिपेंड करता है, आईडी यानी कि इनिशियल डिपॉजिट पर ये हमेशा डिपेंड करता है। और उसके लिए हमें क्या समझना है, द लीगल रिजर्व रेशियो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी कीप्ड एज द लिक्विड एसेट्स बाय द बैंक, बला 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 आगे बात करेंगे। कुछ अजम्पशन है आपको ये याद रखनी है कि जब हम क्रेडिट क्रिएशन का ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम दो बातें मान के चलेंगे, पहला पूरा बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट की तरह है और दूसरा नो कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, सारी ट्रांजेक्शन बैंक से ही होंगी, तभी ये कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये थोपा जा रहा है। तो ये अजम्पशन के साथ ये कॉन्सेप्ट चलता है कि पूरा बैंकिंग यूनिट एक है, HDFC हो, PNB हो, SBI हो, पूरा बैंक, सब बैंकों को हम एक मान के चलेंगे, सब भाई भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरा हम ये मान के चलेंगे कि पूरा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो तो एक हो गया, ये बात तो हो गई। दूसरा हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सारी ट्रांजेक्शन कैसी होंगी, बैंक के थ्रू ही होंगी, ये बात हम याद रखेंगे। चलिए जी पहले इसके बारे में कुछ इनिशियल चीज़ें, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। टेबल क्या है वो सबसे बाद में बात करेंगे, एक एग्जांपल दूंगा, उससे पहले इसकी कुछ टेक्निकलिटी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो क्रेडिट क्रिएशन हमेशा डिपेंड करता है मल्टीप्लायर के ऊपर, तो ये मल्टीप्लायर क्या है, तो सर मनी मल्टीप्लायर हमारा निकलता है जब हम 1/LRR कर देते हैं, और LRR क्या था, लीगल रिजर्व रेशियो। अब क्रेडिट क्रिएशन में मनी मल्टीप्लाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल डिपॉजिट से, तो हमारा क्या निकल के आता है, क्रेडिट क्रिएशन। तो एक नंबर में क्रेडिट क्रिएशन क्या है, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, और एक नंबर में मनी मल्टीप्लायर क्या है, तो 1/LLR, दोनों बातें अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होना।
अब ये बोल रहा है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंकों के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया है वो आया है 10,000 का, और जो LLR है 20% है। LRR में आप समझते हो क्या क्या आता है, CRR और SLR, ठीक है। आप इसको आप देखेंगे कुछ जगह CRR भी लिखा हुआ है, तो वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लें, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मनी मल्टीप्लायर में क्या हो गया, 1/20%, तो कितना आ गया, 5 times। तो अब हम इनिशियल डिपॉजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50,000। इसका मतलब 10,000 रुपये क्रेडिट क्रिएशन के जब प्रोसेस से गुजरेंगे तो वो मिलकर 50,000 हो जाएंगे। LLR वाला पूरा कॉन्सेप्ट कि CRR क्यों लेते हैं, इसमें हम SLR क्यों नहीं लेते हैं, उस पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अब हमें बस इतना ही, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे चलें। तो बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, अब इसके बारे में समझे। मान लेते हैं बैंक के पास 100 रुपये का टोटल डिपॉजिट आता है, तो अगर बैंक के पास 100 रुपये का टोटल डिपॉजिट आएगा तो उसमें से कुछ पैसा बैंक को बचा के रखना पड़ेगा अपने पास। तो मान लेते हैं 20 रुपये बैंक ने अपने पास बचा लिए, तो बचे कितने, 80%, यानी कि 80 रुपये ही बचे। तो बैंक के पास अगर 100 रुपये गए तो 100 रुपये में से 20% उन्होंने अपने पास बचा लिए। इसका मतलब अब वो 100 के 100 का लोन नहीं दे सकते हैं, केवल 80 रुपये का लोन दे सकते हैं। अब ये लोन जिसको भी दिया जाएगा वो किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अब जिस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, फिर से बैंक के लिए वही कॉन्सेप्ट है कि बैंक में कोई इनिशियल डिपॉजिट आएगा तो उस पर फिर से LLR बनेगा, तो वो बैंक फिर से LLR बनाएगा, तो फिर से लोन किसी को दिया जाएगा। अब जिसको लोन दिया जाएगा, मान लेते हैं, वो फिर किसी फर्दर किसी अकाउंट में जमा होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, कैश ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है। तो जिस बैंक पे वो जाएगा फिर से वो कुछ पैसा काट लेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें CRR की, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन की, एक टेबल मिल जाएगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए जी, हम आगे बात करते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि SBI ने रिसीव किए 8,000 रुपये, और SBI को 8,000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि इनिशियल डिपॉजिट मिला। अब नियम के हिसाब से RBI को कुछ पैसा LRR के थ्रू अपने पास रखना है, मेंटेन करना है। कुछ RBI को दे देंगे, कुछ वो अपने पास रखेंगे। तो मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ जो भी पैसा था वो लोन की तरह मिस्टर एक्स को दे दिया, जो एक बिजनेसमैन है, जितना पैसा उन्हें अपने पास रखना था उसको काटने के बाद। तो वो जो 8,000 रुपये वाला पैसा था, ढंग से सुनिएगा बेटा जी, वो पैसा मान लेते हैं PNB में जमा हुआ है ना, PNB में जमा हुआ। अब वो पैसा जब PNB में जमा होगा तो PNB फर्दर भाई PNB के बैंक अकाउंट में आएगा, तो PNB का प्राइमरी डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब PNB उस पर फिर से क्या बनाएगा, फिर से इनिशियल डिपॉजिट का जो भी पैसा बैंक के पास जाता है उसका LLR बनाएगा, तो फिर से वो LLR क्रिएट करेगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं फिर वो पैसा HDFC में जमा हो जाएगा। अब HDFC के पास जो पैसा इनिशियली डिपॉजिट हुआ है वो उसका LLR बनाएंगे। इसका मतलब SBI में आया, उन्होंने 20%, मान लेते हैं SBI में 10,000 आए, उन्होंने 20% काट के, यानी कि 2,000 काट के 8,000 रुपये बिजनेसमैन को दे दिए। उस बिजनेसमैन ने वो दूसरे अकाउंट में जमा कर दिए 8,000 रुपये, उस बैंक वाले ने फिर से अपना 20% काट लिया, फिर वो किसी तीसरे अकाउंट बैंक में जमा हो गए, वहां से उसने अपना 20% काट दिया। तो ये वाला प्रोसेसर चलता रहेगा। सर ऐसे तो उस आदमी को कम लोन मिलेगा, सर हम बैंक के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, उस आदमी के बिहाफ पर बात नहीं कर रहे, बैंक को इतना मेंटेन करना, उसको तो जो अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया गया वो उतना हो जाएगा, लेकिन बैंकों को इतना पैसा अपने इनिशियल डिपॉजिट का मेंटेन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, तो उस बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते ये टेबल कुछ ऐसे चली, SBI के पास 10,000 रुपये आए, उन्होंने 2,000 का लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास रखा, और 8,000 रुपये उन्होंने किसी मिस्टर एक्स, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनको लोन पर दे दिए। अब वो 8,000 रुपये किसी दूसरे बैंक के पास जाकर जमा हो गए, दूसरे बैंक के पास, शायद हमने HDFC माना था या जो भी था बैंक, व्हाटएवर, दूसरे यानी PNB था शायद, 8,000 रुपये PNB के पास जमा हो गए। अब PNB के लिए भी तो रूल तो सेम है ना, कि PNB को भी क्या करना पड़ेगा, LLR बनाने पड़ेंगे। अब उन्होंने भी 20% काट लिए, तो बचे कितने, 6400। अब ये 6400 मान लेते हैं हमने मिस्टर वाई को लोन दिया है, और मिस्टर वाई का जो बैंक अकाउंट है वो तीसरे बैंक में, मान लेते हैं वो PNB है, तो मिस्टर वाई ने वो पैसे अपने PNB के अकाउंट में जमा कर दिए, तो PNB के पास 6400 रुपये आ गए। अब PNB पे भी ये रूल लगेगा कि PNB भी कुछ अमाउंट अपने पास बचा के रखेगा, तो उन्होंने LLR बना लिया 1280 का, बचे कितने, 5120। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो सर जब तक चलता रहेगा तब तक करके दिखाएंगे, नहीं, हम 2 या 3 बार करके दिखाएंगे फिर रुक जाएंगे, और उसके बाद हम ऐसे करके बहुत सारे एरो लगा देंगे, ये एरो हमें बताएंगे कि जी ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, और लास्ट में हम इसका टोटल लिख देंगे। अब ये टोटल कैसे निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको टोटल निकालना है इस तरीके से कि हम प्राइमरी डिपॉजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी,
प्राइमरी डिपॉजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे मनी मल्टीप्लायर की, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है? मनी मल्टीप्लायर निकलता है 1/LRR। तो वो जो हमने पहले रूल पढ़ा था उस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ढंग से देखें, हमने कितना माना था 20%, 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी मनी जो इनिशियल थी वो 5 टाइम बढ़ेगी। तो इनिशियल मनी हमारी कितनी थी बेटा? इनिशियल मनी थी हमारी 10,000। अब 10,000 की मनी 5 टाइम होगी तो कितनी बैठेगी? 50,000। तो वो जो 50,000 रुपये की मनी है वो हम इस टेबल को लाकर, यानी कि ये टेबल लास्ट में वहाँ जाकर रुक जाएगी जितना मनी हमारा मल्टीप्लाई होगा। सारा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे यही कर लेते ना। 3.3 टेबल, तीन बस तीन स्टार्टिंग है, 1, 2, 3 तीसरे राउंड तक बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ जाएं और टोटल आंसर करके दिखाते हैं। ये आंसर कैसे आएगा ये ऐसे निकाल के दिखाना है ना, गेटिंग में बट। अब सर जब ये 50,000 आ जाएगा तो 50,000 का 20% निकालेंगे, 10,000 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक था और जल्दी जल्दी में बताना इसको बड़ा खतरनाक होता है। अब आगे बात कर लेते हैं मनी एंड सप्लाई के बारे में, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो मनी क्या होती है? एक्सेप्टिंग एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, उसको मनी बोलते हैं। फीचर क्या होते हैं जी? लिक्विडिटी होती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है, टूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी इसको माना जाता है। चलिए जी, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या है ढंग से सुनेंगे। सर जी मनी सप्लाई सबसे पहले एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में एमसीक्यू हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि मनी सप्लाई हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखी जाती है। चलिए जी, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब सर इसमें मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या क्या है? मनी सप्लाई के कंपोनेंट में बेटा M1, M2, M3, M4, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल M1 है। M1 के बारे में आप इतनी बात याद रखेंगे, ये बहुत लिक्विड होता है और ये थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है M4 के मुकाबले में, कंपैरिजन में। अब M1 में आता क्या है? सर जो हमारा M1 है मनी सप्लाई M1 वाला, ये चार होते हैं लेकिन M1 के बारे में बात करेंगे, तो जो मनी सप्लाई हमारा M1 के हिसाब से है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा इसमें आता है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, यानी कि पैसा जनता के पास कितना है और पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास कितना है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो M1 के हिसाब से क्या बन जाएगा? मनी सप्लाई बन जाएगा। चलिए जी, अब आगे बात कर लेते हैं कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में कौन कौन सी करेंसी देखी जाएगी। तो सर करेंसी जो पब्लिक के पास है उसमें हम देखेंगे जो भी करेंसी के नोट्स हैं और जो भी कॉइन है, यानी कि कॉइन एंड नोट्स जो भी जनता के पास हैं, जनता के बैंक अकाउंट में नहीं, जनता के पास है। तो करेंसी और कॉइन जो भी जनता के पास है, उनके घर में है, उनकी जेब में है, उनके पास है बैंक से बाहर, हम उनको लेंगे। अब करेंसी में कौन सा? सर करेंसी नोट्स केवल वो वाले हैं जो RBI ने छापे हैं। आपके पास डॉलर है उसकी बात नहीं कर रहे, फॉरेन करेंसी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, केवल करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द RBI, जो RBI ने इशू करे उनकी बात कर रहे हैं। कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अब दो बातें क्लियर हो गई, यानी कि जो नोट छापता है वो RBI छापता है और जो कॉइन इशू करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, कमेंट में मेंशन करके बताओ वो एक्सेप्शन कौन सा है, आप जानते भी हो या नहीं जानते हो। आगे बढ़ते हैं सर, करेंसी नोट्स एंड कॉइन आर द लीगल टेंडर। ये बात याद रखेंगे कि करेंसी कॉइन्स जो हैं वो लीगल टेंडर माने जाते हैं, यानी कि यही वैधानिक रूप से एक्सेप्टेबल हैं, बाकी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी कंट्री में। जिसको भी RBI ने लीगल टेंडर दिया है मनी करेंसी वही मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। अब हाई पावर मनी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक ने इशू करी है, ठीक, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सर जो भी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी इंडिया की करेंसी RBI ने इशू करी है, चाहे वो पब्लिक के पास हो चाहे कॉमर्शियल बैंक के पास हो, उसी को हम हाई पावर मनी बोलते हैं। तो करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द RBI, कॉइन्स आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ये याद रखेंगे। और करेंसी नोट्स जो है वो लीगल टेंडर होते हैं, बार बार ये लिखा आ रहा है। अब नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक क्या है? तो इसमें दो चीज़ें लेते हैं हम, एक कि हमारा करंट अकाउंट में क्या बैलेंस है और हमारा सेविंग अकाउंट में क्या बैलेंस है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक आ जाता है। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट नोट में लिखी हुई हैं वो पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं क्योंकि MCQ में बच्चा यहीं फंस जाता है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, करेंसी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक RBI इज कॉल्ड मनी। तो क्या ये सिचुएशन सही है? तो हम बोलेंगे ना ना जी, कॉल्ड बाय बैंक मनी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। तो ये गलती मत कर देना, बच्चों को ऐसा लगता है यार RBI ने तो इशू करी, RBI एक बैंक ही है, तो बैंक को बैंक मनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आगे हैं कि मनी सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, आंसर साथ में लिखे हुए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आंसर देखते रहेंगे और नोट करके चलते रहेंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
उम्मीद करेंगे आप ये सारे नोट्स मेकिंग बना लेंगे बेटा। टाइम लिमिटेशन होती है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है, और वैसे भी आपको केवल जो कॉन्सेप्ट पर डस्ट आई है वही तो रिमूव करनी थी। पूरे साल आपको ये अच्छे से पढ़ा दिया गया था, तो अब हमारी क्लासेस में हमने ये सब कवर करा दिया था, तो होप आपने कर लिया होगा। और अब ये जो MCQ हैं ये आप इनको अच्छे से कर लेंगे। ये जो ट्रू फॉल्स बेस में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे MCQ बेस में आए चाहे कैसे ही आए, MCQ वाले क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ जिन पर ये सर्कल हो रहा है और ये हंसती हुई इमोजी जो है वो आंसर है। तो बेटा जी यहाँ से आराम से ये अब इस चैप्टर में केवल यही MCQ पढ़ लें, ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएंगे। अब इतना रिस्क ले सकते हो सर, अगर नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। जो यहाँ से पढ़ाया है यहाँ से आपको 6 नंबर आराम से इस क्लास से कवर हो जाएंगे, आराम से आप 6 नंबर कवर कर लेंगे। तो बेटा जी ये थी आपकी इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। हमारी भी हो गई है हालत ख़राब, तो आप इसको करके अच्छे से देख लें।